हिमाचल पथ परिवहन निगम का रामपुर क्षेत्रीय कार्यालय व कार्यशाला भवन ढहने के कगार पर है। खतरे के साए में काम करने को कर्मचारी मजबूर हो गए हैं। इस परिसर में एक दर्जन से अधिक क्वार्टरों में रह रहे कर्मचारी और उनका परिवार रात को चैन से नहीं सो पाता है। भवन में कई जगह मोटी मोटी दरारें भी आई हुई है, हालांकि निगम अधिकारी इसे सुरक्षित बता रहे हैं। असुरक्षित भवनों के ढहने से जान माल के नुकसान की घटनाओं की सूचना मिलते ही हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर क्षेत्रीय कार्यालय और वर्कशॉप के कर्मचारियों के दिन का चैन और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। वर्ष 1985 में निर्मित शिमला जिले के रामपुर बुशहर परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय और वर्कशॉप अब जर्जर हो चुका है। भवन में कई जगहों पर मोटी दरारें आ गई हैं। भवन का बीच से ज्वाइंट भी करीब 1.5 फुट खुल चुका है। इस परिसर में निगम के रीजनल मैनेजर समेत उनका पूरा स्टाफ भी बैठता है। इसके अलावा नीचे वर्कशॉप है जहां करीब 100 लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा धरातल में कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों के एक दर्जन से अधिक रिहायश हैं। भवन की दुर्दशा को लेकर कर्मचारियों ने कई बार निगम उच्च प्रबंधन तक को लिखित रूप से अवगत करवाया है, लेकिन अब तक उनकी फरियाद नहीं सुनी गई है। इतना जरूर है कि विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर आकर भवन का मुआयना किया, उसके बाद टीम ने भी इसे सुरक्षित बताया, लेकिन कर्मचारी भवन की वर्तमान दशा को देख खासकर बरसात के मौसम में ना तो दिन में इत्मीनान से काम कर पाते हैं और ना ही इसमें रहने वाले चैन से सो पाते हैं। वर्कशॉप कर्मी शादीलाल ने बताया कि हिमाचल परिवहन निगम के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय और कार्यशाला भवन की खस्ता हाल है। भवन में काफी दरारें आई हैं, ये कभी भी गिर सकता है। वे यहाँ खतरे में काम कर रहे हैं। जो हमारी ये कंस्ट्रक्शन है, जो हमारी बिल्डिंग है, इसमें काफी दरारें आ गई है और जो हमारा ये वर्कशॉप का ग्राउंड है, इसके भी खस्ता हाल है। ये कभी भी गिर सकता है और हम यहाँ पर खतरे में काम कर रहे हैं, जिससे कभी भी हमारा नुकसान हो सकता है। कार्यशाला कर्मी किशोरी लाल ने बताया कि उनकी वर्कशॉप बिल्डिंग की बहुत खराब हालत है। इस बारे निगम प्रबंधन को भी मौखिक और लिखित में अवगत करवाया गया है। ये भवन कभी भी ढह सकता है। उन्होंने बताया कि 6 माह से दरारें अधिक हो गई हैं। कभी भी भूकंप आ जाए तो भवन ढह सकता है। खतरे के साए में कर्मचारी काम कर रहे हैं। निगम कर्मी हितेंद्र ने बताया कि निगम के अधिकारी बार बार जांच करने आते हैं और वे इसे क्लीन चिट देकर चले जाते हैं। वर्कशॉप की दशा ठीक नहीं, काम करना मुश्किल है। HRTC वर्कशॉप में काम करता हूँ। एक तो हमारे ये वर्कशॉप बिल्डिंग जर्जर हो गई है, दरारें हो गई है, इसमें बहुत दरारें पड़ गई है। 2-3 साल से हम बोल रहे हैं कि भाई वर्कशॉप को यहाँ से ट्रांसमिट कर दो दूसरी साइड के लिए। दूसरे हमारे ऊपर को ऑफिस है सारे, ये भी है, नीचे को कॉलोनियाँ हैं और ये हमारे कुछ वर्कर रहते हैं नीचे, वो रात को सो भी नहीं पाते हैं बड़ी मुश्किल से। सर्दी और बरसात में तो बहुत ही दिक्कत रहती है जी। और दूसरा ग्राउंड है, ग्राउंड में भी सर्दी और बरसात में कीचड़ रहता है बहुत, और इसमें भी हम काम नहीं कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से। काम बीमार हो जाते हैं बहुत, टाइफाइड हो जाता है कई आदमियों को, 2-2.5 महीने तक बीमार रहते हैं। दवाइयों का खर्चा भी, दूसरे पीस मिल वर्कर है हमारे पास, दवाइयों का खर्चा भी बाहर नहीं हो पाता है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक गुरबचन सिंह ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम को मौके पर लाया गया था। उन्होंने इसका अध्ययन किया और पाया कि ये भवन सुरक्षित है। इतना जरूर है कि इसकी मुरम्मत की जानी है, उसके लिए प्राकलन आदि बना दिया गया है और इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। जहाँ तक इस बिल्डिंग का सवाल है, ये हमारे रीजनल ऑफिस की बिल्डिंग है। पीछे आर्कोलॉजिस्ट वाले जो आई थी, टीम आई थी सर्वे की, उन्होंने चेक किया, प्रॉपर चेक किया ये, और बताया कि इसका जो धरातल है, जो बेस है, उस फिर भी स्ट्रांग है, ऐसा कोई खतरा नहीं है इस बिल्डिंग में। फिर भी हमने जो इसके रिपेयर के लिए है, इसका एस्टिमेट बनाया है। पीछे BSMD के हमारे JEE भी आए थे, उन्होंने फिर से एस्टिमेट बनाया। मेरे ख्याल लगभग 4,65,000 का जो एस्टिमेट है इसके रिपेयर का। इसमें रिपेयर में पेंटिंग वर्क है और दूसरा जो दरारें आई हैं उसको इम्प्रूव करने का लिए हमने लिखा है।